आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। थंबनेल आपने बिल्कुल सही पढ़ा, जीएसटी में ना रूल्स भी चेंज हो गए हैं और जीएसटी में ना कुछ नए फॉर्म्स आए हैं, तो इस वीडियो में ना डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, हो सकता है वीडियो लंबा हो जाए लेकिन पूरी डिटेल जानकारी मिले। ये जो रूल्स है ये नोटिफिकेशन नंबर 26 से चेंज हुए हैं जो कि अभी 26 दिसंबर को आई थी। अब इसमें क्या क्या चेंजेज हुए इस चीज़ को समझ लो। अगर मैं आपको बात बता दूं, इसमें सबसे पहले जो रूल चेंज हुआ है वो हुआ रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 किस चीज़ का होता था? रूल नंबर 8 होता है हमारे जीएसटी रजिस्ट्रेशन का। तो अगर आपको पता हो कि जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन का पहला रूल था उसमें ये बात लिखी हुई थी कि जब आप जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करोगे तो उसमें जो दो पार्ट होते हैं, एक होता है पार्ट ए और पार्ट बी। तो पार्ट ए के अंदर वो आपसे तीन चीज़ें मांगता था। एक मांगता था आपका पैन नंबर, ठीक है, एक मांगता था ईमेल आईडी और एक मांगता था फ़ोन नंबर। अब उन्होंने क्या बोला कि पार्ट ए के अंदर आप मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी मांगोगे ही नहीं, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको मांगने की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप वहाँ से क्या मांगोगे, पैन नंबर मांगोगे। और उस पैन नंबर के बेसिस पर, उस पैन नंबर के बेसिस पर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी इनकम टैक्स के डेटाबेस से उठा लिया जाएगा, उसी के वहाँ पर आपको ओटीपी आएगा। तो पहले जो ये कहता था कि ओटीपी जो आपको आएगा आपकी ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर पे आएगा, उस क्लोजेस को यहाँ से ओमिट कर दिया है, क्योंकि अब जो ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर आप नहीं डालोगे वो जो इनकम टैक्स डेटाबेस में होगा वो होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि भाई यहाँ पर इस बात को समझना है कि 26 दिसंबर के बाद से जीएसटी के रजिस्ट्रेशन के नियम चेंज हो गए। तो यहाँ पर अब आपको समझना है कि अब यहाँ पर जीएसटी लेना कठिन हो जाएगा, क्योंकि रूल नंबर 8 में इन्होंने इस चीज़ को लिख दिया। इसके बाद इन्होंने क्या करा, एक नया सब रूल 4A, ठीक है ना, इसे सब्स्टिट्यूट करा है। इसे सब्स्टिट्यूट करके क्या बोला है कि अब जो भी व्यक्ति होगा, दो तरीके से जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले सकता था पहले, ठीक है, पहले या तो वो कहता था कि भाई आधार से वेरिफिकेशन करा दो, या वो ये कहता था कि नहीं भाई मैं तो फिजिकल वेरिफिकेशन करा दो। तो जब आप आधार और ओटीपी बेस करा करते थे तो उसमें एक हफ्ते के अंदर रजिस्ट्रेशन आ जाता था, अब फिजिकल वाले में 45 दिन का टाइम लग जाता था। तो अमूमन हर व्यक्ति आधार से जाता था। अब इन्होंने क्या कहा कि अगर कोई व्यक्ति आधार वेरिफिकेशन की बात करेगा, ठीक है ना, तो उस व्यक्ति को अब फोटो भी लगाना पड़ेगा अपना, ठीक है। क्या लिखा हुआ है कि आधार बेस रजिस्ट्रेशन के अंदर ये लोग क्या करेंगे, बायोमेट्रिक बेस आधार ऑथेंटिकेशन करेंगे और टेकिंग फोटोग्राफ ऑफ द एप्लीकेंट वेयर द एप्लीकेंट इज़ अ इंडिविजुअल, वहाँ पर फोटो भी लेंगे। अब मुद्दा ये आता है कि सर ये जो आधार बेस ऑथेंटिकेशन होगी बायोमेट्रिक में और जो फोटो लेंगे ये कहाँ पर लेंगे? तो यहाँ पर इन्होंने जो क्लियरिटी दी है, इन्होंने बोला है कि जब भी आप REG01 फाइल करोगे इसके लिए फैसिलेशन सेंटर बनाए जाएंगे जहाँ पर कि आपका ये सारा प्रोसेस होगा। लेकिन ये वाला जो रूल है 4A, अगर अभी ये पूरे इंडिया में लगा दें तो ये मैनेज ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पूरे इंडिया में इनके फैसिलेशन सेंटर इतने नहीं है कि भाई जिसके ये कंट्रोल कर ले। तो इन्होंने यहाँ पर क्या करा, इन्होंने एक नए रूल को इंसर्ट करा 4B को, और क्या लिखा, द सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई द स्टेट और यूटी वी आर इन द प्रोविजन ऑफ सब रूल 4A सेल नोट अप्लाई, कि भाई हम पूरे इंडिया में अप्लाई नहीं कर रहे हैं अभी, ये हम बता देंगे कि कहाँ कहाँ ही अप्लाई नहीं होंगे। तो आज की डेट में ये सिर्फ और सिर्फ गुजरात में अप्लाई है और ये कहीं पर अप्लाई नहीं है। लेकिन अभी अगर आप देखोगे दिल्ली में भी देखोगे, जयपुर में भी देखोगे, राजस्थान में भी, तो रजिस्ट्रेशन लेने में दिक्कत आ रही है, क्योंकि इन्होंने ये मेथड को चेंज कर दिया है, रूल नंबर 8 को इन्होंने चेंज किया है। इसके अलावा इन्होंने क्या बोला है कि भाई रूल नंबर 9 को भी हम चेंज कर रहे हैं। रूल नंबर 9 को चेंज करने के लिए क्या कह रहे हैं कि भाई आप इस चीज़ को समझना, दो तरीके से हम काम को कर रहे हैं, ठीक है, या तो आपका हम आधार वेरिफिकेशन करा रहे हैं बायोमेट्रिक से, या हम फिजिकल वेरिफिकेशन करा रहे हैं। तो यहाँ पर जो रूल नंबर 9 है इसमें भी इन्होंने एक नई क्लोज को डाला है। क्या बोला, ए पर्सन हु हैज़ अंडरगोन ऑथेंटिकेशन ऑफ आधार नंबर एज पर स्पेसिफाइड सब रूल 4A इज आइडेंटिफाइड ऑन
कॉमन पोर्टल बेस्ड ऑन डाटा एनालिस्ट फॉर कैरिंग आउट फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस, कि हम यहाँ पर डेटा के बेसिस पे देखेंगे कि आपकी फिजिकल वेरिफिकेशन जरूरी है या नहीं, और अगर वो जरूरी होगी तो हम आपकी फिजिकल वेरिफिकेशन भी करेंगे। तो नट सेल में अगर मैं बात करूँ तो इन्होंने जो रूल नंबर 8 और 9 में चेंज करा है, उस चेंज के बाद आप ये समझ लीजिए कि रजिस्ट्रेशन लेने में दिक्कत आने वाली है। ठीक है, अब आगे बात चलते हैं रूल नंबर 12 में। ठीक है, रूल नंबर 12 में सर क्या चेंज हुआ है? रूल नंबर 12 हमारा बात करता है TDS और TCS के रजिस्ट्रेशन की। अगर आप ओरिजिनल रूल खोल के देखोगे तो वहाँ पर TCS और TDS के रजिस्ट्रेशन की बात करता है। तो पहले इस रूल में ये लिखा हुआ था कि अगर आपको TDS या TCS का रजिस्ट्रेशन लेना है तो आप ले लो, लेकिन ये रजिस्ट्रेशन कैंसिल तभी होगा जब प्रॉपर ऑफिसर को ऐसा लगेगा कि अब आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा था कि TDS और TCS का रजिस्ट्रेशन लेने के बाद जब हमें उसकी ज़रूरत नहीं होती थी तो वो कैंसिल नहीं होता था। तो यहाँ पर इन्होंने क्या कर दिया है, एक वर्ड्स को इंसर्ट कर दिया है, ओन ए रिक्वेस्ट बाय इन राइटिंग बाय पर्सन टू रजिस्ट्रेशन हैज बीन ग्रांटेड, कि अगर कोई व्यक्ति जिसे रजिस्ट्रेशन मिला है TDS TCS का, अगर वो भी कैंसिल कराना चाहेगा तो वो भी अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल करा सकता है। इसके अलावा जो रूल में चेंज हुआ है वो हुआ है रूल नंबर 37। रूल नंबर 37 जो हमारा था वो ये कहता था कि अगर आपने जिससे भी माल परचेज करा उसकी 180 डेज के अंदर पेमेंट नहीं करी, तो अगर आप उसकी 180 डेज के अंदर पेमेंट नहीं करते हो तो आपको ITC रिवर्सल करना है। तो ये वाला जो रूल था ये 1 अक्टूबर से चेंज हो गया था। 1 अक्टूबर से इन्होंने गलती से चेंज करके क्या बोल दिया था कि भाई आपको पूरा ITC रिवर्सल करना है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल से बताऊं तो एग्जांपल इसका ये बनता है कि लेट सपोज मैंने 1 लाख रुपये का माल परचेज करा, 1 लाख रुपये का माल परचेज करके उस पर 5,000 रुपये GST था। तो पहले जो 1 अक्टूबर को रूल आया तो उसमें लिखा था कि अगर आपने लेट सपोज करो 52,500 रुपये की भी पेमेंट कर दी, 50% भी पे कर दिया, तब भी ITC पूरा रिवर्स करना पड़ेगा। ये इनसे गलती हो गई थी 1 अक्टूबर को जब ये रूल्स लेकर आए थे, रूल 37 को जब चेंज कर लाए थे। तो अब इन्होंने उस गलती को ठीक करा और इन्होंने कहा नहीं, अगर आपने आधी पेमेंट कर दी तो आपका आधा ही ITC रिवर्सल होगा। इस वाली बात को क्या करा है, हमने अपनी मैगजीन में डिटेल में यहाँ पर बकत्ता कर दिया है, एग्जाम्पल के साथ हमने इस चीज़ को यहाँ पर बताया है। तो अगर किसी ने अभी तक मैगजीन हमारी सब्सक्राइब नहीं कराई है तो मैगजीन देखो, हमारी तैयार हो चुकी है कि रूल 8 में क्या अमेंडमेंट है, रूल 9 में क्या अमेंडमेंट है, ये हमने सारी चीज़ों को एक एक टॉपिक वाइज बताया है। तो अगर आपने अभी तक मैगजीन को सब्सक्राइब नहीं कराया तो करा ले, क्योंकि अभी ना मैगजीन पर ना डिस्काउंट चल रहा है और ये डिस्काउंट कभी भी ख़त्म हो सकता है। तो इस नंबर पर बात करके आप मैगजीन हमारी सब्सक्राइब करा ले अगर आपकी एक्सपायर हो गई है या नहीं लेना चाहते हैं। तो आगे की हम बात कर रहे थे कि रूल 37 में क्या चेंज है, ये अब आपको क्लियर हो गया होगा। इन्होंने यहाँ पर लिख दिया प्रोपोर्शनेट टू द अमाउंट नॉट पेड द सप्लायर, मतलब कि जितना अमाउंट आपने अपने सप्लायर को पेड नहीं करा है उतने पर ही ITC रिवर्सल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इसके अलावा जो इन्होंने नया रूल इंसर्ट करा है रूल नंबर 37 है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे आपको समझना होगा बड़े ध्यान से। इन्होंने क्या बोला है यहाँ पर कि कपिल जैन आप फाइनेंशियल ईयर 22-23 में जितना मर्जी ITC ऋण ले लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मतलब कि अप्रैल से मार्च 2023 तक आप जितना मर्जी ITC ले लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जितना भी आप ITC ले रहे हो, ठीक है, इसका मतलब आपके सप्लायर ने टैक्स पे किया होगा। मैंने कहा भाई ये तो मुझे पता ही नहीं चलता कि सप्लायर ने टैक्स पे किया या नहीं। उन्होंने क्या बोला रूल 37A के अंदर, इसे आप सेक्शन 41(2) के साथ पढ़ना। ये क्या कहता है कि भाई आपने जितना भी ITC लिया है, अगर वो आपका सप्लायर ये सारा का सारा टैक्स या तो फाइनेंशियल ईयर 22-23 में पे कर दे, या वो ये वाला टैक्स फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने के सितंबर तक पे कर दे, अगर वो सितंबर तक भी टैक्स पे नहीं करेगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि ये जो मेरा सप्लायर है ये कहता है कि भाई मैं 22-23 की कोई भी गलती एज पर सेक्शन 39(9) नवंबर तक ठीक कर सकता हूँ, और आप मुझे बाध्य कर रहे हो कि आप वो वाला टैक्स कब तक जमा करो, सितंबर तक। तो यहाँ पर तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गई सेक्शन 39(9) की और रूल 37A की। इन्होंने कहा भाई कॉन्ट्राडिक्शन होए तो होए, हमने तो रूल में लिख दिया। रूल में क्या लिखा कि अगर आपने कोई भी ITC लिया
वो आपका सप्लायर 30 सितंबर तक, कब तक फाइल करना है उसे जी, 30 सितंबर तक। तो इसका मतलब वो 30 सितंबर तक अगर वो जमा करेगा, इट मींस वो अपनी अगस्त की रिटर्न में जमा कर रहा होगा या अपनी मार्च की रिटर्नों को 30 सितंबर तक फाइल कर रहा होगा। तो मान लो अगर उसने अपनी अगस्त की रिटर्नों तक 30 सितंबर तक फाइल नहीं करा, तो मुझे क्या बोला गया कि आपने जो वो ITC लिया है वो आप 30 नवंबर तक रिवर्स कर दो। अब क्वेश्चन बड़ा भयानक है कि मुझे कैसे पता लगेगा कि मेरे सप्लायर ने कौन कौन से बिलों पर फाइनेंशियल ईयर 22-23 का ITC 30 सितंबर तक जमा नहीं किया है। इसकी क्लैरिफिकेशन अभी गवर्नमेंट ने नहीं दी, लेकिन ये क्लैरिफिकेशन इन्होंने रूल 37A को लाकर दे दिया और ये रूल अप्लाई हो चुका है। इस बात को आप समझना, ये रूल अप्लाई हो चुका है और ये कह रहे हैं कि भाई अगर आपके सप्लायर ने 30 सितंबर तक टैक्स पे नहीं किया अपनी 3B के अंदर, तो आपने जो ITC लिया है वो आप 30 नवंबर तक रिवर्स कर दो। और अब यहां पर देखो ना खेल क्या चलेगा, हो सकता है कि ये जो सप्लायर है 30 सितंबर तक जमा ना करे, फिर मेरे को 30 नवंबर को ये कह दे कि रिवर्सल कर दो। हो सकता है सप्लायर अपनी नवंबर की रिटर्न में फाइल कर दे, टैक्स जमा कर दे, फिर मुझे क्या कह रहे हैं कि तुम फिर रिक्लेम कर लेना। तो यहां पर अब हर व्यक्ति का काम बढ़ने वाला है। तो रूल 37 ए फाइनेंशियल ईयर 22-23 में आपको बुरी तरीके से हिट करने वाला है, तो आप इसका जरा ध्यान रखिए। कमेंट बॉक्स में मैं साथ के साथ लिखकर बताना कौन सा रूल बढ़िया है, कौन सा रूल बेकार है। चलिए अब आगे की बात करते रूल नंबर 46F की। अब ये जो रूल नंबर 46 है इसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि भाई अगर आपने किसी भी व्यक्ति को माल बेचा, अनरजिस्टर्ड को माल बेच रहे हो, ठीक है ना, हमें उसका ना एड्रेस नहीं चाहिए। अगर वो 50,000 रुपये से ऊपर है तो एड्रेस लो, अदरवाइज 50,000 से नीचे तो एड्रेस मत लो। अब ये कह रहे हैं अगर आप किसी अनरजिस्टर्ड व्यक्ति को माल बेच रहे हो और वो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू बेच रहे हो, मतलब कि आप फ्लिपकार्ट अमेजन के थ्रू माल बेच रहे हो, तो एड्रेस तो आप पे हो गई। तो चाहे आप 1 रुपये का बिल इशू करो, चाहे 1 लाख का बिल इशू करो, तो 50,000 से पहले वाले में, 50,000 से ऊपर वाले में तो पहले भी कैप्चर करते थे डिटेल, लेकिन अब इन्होंने बोल दिया कि भाई चाहे आप 100 रुपये का बिल इशू करो, चाहे 1 रुपये का बिल इशू करो, आपको उसका एड्रेस कैप्चर करना है। क्या क्या चीज़ कैप्चर करनी है, नेम और एड्रेस ऑफ द रिसिपेंट अलोंग विद हिज पिन कोड, उसकी पिन कोड भी चाहिए और उसकी स्टेट भी चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि आपको पता होगा कि अगर आप ई कॉमर्स के थ्रू माल बेचोगे तो आपको GSTR 1 में अलग से रिपोर्टिंग करनी है। तो उस रिपोर्टिंग के लिए इन्होंने रूल 46 में जो इनवॉइजिंग के रूल है उसमें चेंज कराए। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि सर पहले तो 200 रुपये से कम के लिए इनवॉइस बनाना भी ज़रूरी नहीं था, इकट्ठा एक इनवॉइस बना सकते थे, लेकिन ये कह रहे हैं कि हमने हर रूल को ओवर रूल कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर आपका ये स्पेसिफिक ई कॉमर्स वाला काम है तो आपको चाहे 1 रुपये का क्लाइंट हो चाहे 200 रुपये का क्लाइंट हो, आपको उसकी डिटेल कैप्चर करनी पड़ेगी। अब यही सेम चीज़ इन्होंने रूल 46A में भी लिख दी। रूल 46A किस चीज़ की बात करता था कि जहाँ पर आप एग्जेम्प्ट और टैक्सेबल के लिए अनरजिस्टर्ड के केस में एक ही इनवॉइस बना देते थे, ठीक है ना, तो उस वाले केस में भी आपको ये वाली डिटेल कैप्चर करनी है। अब बात करते हैं रूल नंबर 59। रूल नंबर 59 बड़ा इंपॉर्टेंट है। रूल नंबर 59(6) बात करता है कि किस किस केसेस में हम आपको आपकी GSTR 1 या IFF नहीं भरने देंगे। तो इन्होंने क्या बोला कि भाई अगर आपने रूल 88(1) का, रूल 88(c)(2) का वॉयलेशन करा तो हम आपको GSTR 1 नहीं भरने देंगे। तो चलिए पहले हम 88C ही पढ़ ले कि 88C क्या है। तो 88C ये कहता है कि भाई सेक्शन 75 सब सेक्शन 12 को याद करो। सेक्शन 75 सब सेक्शन 12 बात करता है और वहाँ पर एक एक्सप्लेनेशन दी हुई है कि अगर आपकी 3B और आपके GSTR 1 में कोई डिफरेंस है, मतलब कि GSTR 1 में टैक्स ज़्यादा है और 3B में टैक्स कम है, तो वो कहता है कि हम इसे सेल्फ असेस लाइबिलिटी मान लेंगे कि भाई GSTR 1 में आपने लाइबिलिटी दिखाई और 3B में आपने पे नहीं करी, तो
क्यों ना हम इस लायबिलिटी पर आपसे टैक्स ले और हम रिकवरी चला दे। क्या कर दे जी? हम रिकवरी कर दे। रिकवरी कौन से सेक्शन में कर दे? सेक्शन 79 में। ये सारे सेक्शन हमारे कोर्स के अंदर इंक्लूड है। अगर किसी ने हमारा कोर्स नहीं लिया है तो वो कोर्स को ले ले, उसमें हम सारे बताते हैं। तो क्या कहता है कि भाई जब आपने GSTR 1 में कोई सेल दिखा दी और 3B में टैक्स नहीं दिया तो ये सेल्फ असेस लाइबिलिटी हो गई एज पर सेक्शन 75 सब सेक्शन 12 की एक्सप्लेनेशन से। तो क्यों ना हम सेक्शन 79 से रिकवरी कर दे। मैंने कहा रुको भाई, कई बार डिफरेंस होने के रीजन होते हैं, तो आप एकदम से रिकवरी मत चलाओ, रिकवरी से पहले एक प्रोसीजर फॉलो कर लो। उन्होंने कहा ठीक है, हमने एक नया रूल बनाया है, रूल 88C, इसमें हम एक प्रोसीजर फॉलो करेंगे। उस प्रोसीजर में हम आपको बोलेंगे कि भाई आपकी 3B और GSTR 1 में डिफरेंस है। ये हम नहीं बोलेंगे, पोर्टल बोलेगा। कौन बोलेगा जी? पोर्टल आपको एक नोटिस या इंटीमेशन इशू करेगा जिसे DRC 01B का नाम दिया गया। इसके दो पार्ट होंगे, एक होगा पार्ट ए और एक होगा पार्ट बी। तो पार्ट ए में आपके पास इंटीमेशन आई कि आपकी 3B और 1 में डिफरेंस है 1 लाख रुपए का, 2 लाख रुपए का, समथिंग लाइक डेट। उसके बाद जब जैसे ही आपके पास ये डिफरेंसेस आया तो आपको पार्ट बी में, ठीक है ना, DRC 01B के पार्ट बी में आपको डिफरेंस बताना पड़ेगा कि भाई ये जो डिफरेंस है ये किस वजह से है। तो 5 वजह आपको दी गई कि ये 5 वजह में से अगर कोई भी वजह है तो आप इसका रिप्लाई दे दें। तो 5 वजह कौन सी दी गई मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपका इन 5 वजह से डिफरेंस है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो क्या डिफरेंस है देखो, ये आ रहा है पार्ट बी, रिप्लाई बाय टैक्स पेयर इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटीमेशन ऑफ डिफरेंस इन लाइबिलिटी। तो जैसे ही हम रिप्लाई देंगे, या तो हम डिफरेंस को मान लें कि भाई ठीक है हमसे गलती हो गई, हम जमा कर रहे हैं, अदरवाइज ये आप 5 रिप्लाई देकर बच सकते हो। पहला तो क्या बोल दोगे, एक्सेस लाइबिलिटी पेड इन अर्लियर टैक्स पीरियड, कि भाई हमने जो है ना अप्रैल के अंदर ज़्यादा 3B में टैक्स पे कर दिया था, इस वजह से हमने जून में 3B में कम टैक्स पे किया। दूसरा रीजन क्या है कि भाई हो सकता है हम ये कह दें कि सम ट्रांजेक्शन फॉर अर्लियर टैक्स पीरियड विच कुड नॉट बी डिक्लेयर इन GSTR 1, ठीक है, या IFF, मतलब कि अप्रैल में हमने GSTR 1 में या IFF में कोई डिटेल नहीं डाली थी, वो डिटेल हमने जून में डाली है, इस वजह से हमारा GSTR 1 या IFF में ज़्यादा वैल्यू आ रही है। तीसरा रीजन कि भाई जो हमारा जो GSTR 1 या IFF है वो गलती से ज़्यादा भरा गया, डालना था 10 लाख, डल गया 1 करोड़। चौथा कि हमने क्या करा, एडवांस रिसीव्ड और उसके एडजस्टेड की जो एडजस्टमेंट थी वो गलत कर दी, या कोई अदर रीजन हो तो आप उसे बता देना। तो अगर आप ये 5 रीजन्स में से कोई भी रीजन बता दोगे कि भाई 3B और 1 में ये डिफरेंस आ रहा है, तब आपके ऊपर कार्रवाई नहीं की जाएगी, या आप डिफरेंस टैक्स पे कर दोगे तो भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। लेकिन अगर आप इन दोनों में से कुछ भी नहीं करते तो उसके बाद ये वाला अमाउंट आपसे रिकवर कर लिया जाएगा एज पर सेक्शन 79। तो अगर आप 3B और 1 में कोई भी डिफरेंस करते हो तो 79 पर जाएंगे, लेकिन बीच में रूल 88C के थ्रू जाएंगे। तो आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना इस चीज़ का। तो क्लियर हो गई ये वाली चीज़? हाँ सर, ये वाली चीज़ क्लियर हो गई हमें, ठीक है। सर क्या 1 रुपये के डिफरेंस पर भी ऐसा आएगा हमारे को DRC 01B? कह नहीं सकते क्या डिफरेंस ये बनाएंगे, लेकिन अगर डिफरेंस हुआ तो ये आपके पास आएगा। चलिए आगे की बात करते हैं। अगर आप 88C को फॉलो नहीं करोगे तो आप पे 2 पेनल्टी एक तरीके से हो गई, एक तो रिकवरी शुरू हो गई आपको सेक्शन 79 की, और दूसरा रूल 59(6) में अब आप अगले GSTR 1B फाइल नहीं कर पाओगे, ठीक है। रूल 87 क्या है, ये आपके ज़्यादा मतलब का नहीं है, ठीक है, ये बैंकों के मतलब का, आपको कोई मैटर इसमें नहीं करना है। चलिए अब बात करते हैं रूल 89। रूल 89 बात करता है रिफंड्स की अनरजिस्टर्ड के केस में। तो एक सर्कुलर भी आया, उसमें क्या लिखा कि अगर आप एक अनरजिस्टर्ड पर्सन हो, आपने कोई फ्लैट बुक कराया, कंस्ट्रक्शन के हो रही है उस फ्लैट की, आपने टैक्स उसे पे कर दिया, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक हो गया, ठीक है ना। अब वो व्यक्ति कहता है जो मेरा बिल्डर है कि भाई हम आपको पैसे नहीं देंगे, GST वाले, बाकी तो पैसे ले जाओ, GST वाले नहीं देंगे क्योंकि हम क्रेडिट नोट इशू नहीं कर सकते, टाइम लिमिट चली गई। तो अब इन्होंने क्या बोला कि भाई अगर आप अनरजिस्टर्ड पर्सन हो तो आप भी रिफंड ले सकते हो,
लेकिन आप डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे कर लेना। कौन से डॉक्यूमेंट्स? जो आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ बिल्डर के साथ वो वाले डॉक्यूमेंट्स रख लेना, ठीक है। आपने जितनी पेमेंट करी वो दिखा देना, ठीक है। आपने क्या करा, इनवॉइस उसने इशू करा होगा, वो इनवॉइस दिखा देना। अगर ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट कर देते हो तो हम आपको रिफ़ंड दे देंगे, हमें रिफ़ंड देने में कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर इन्होंने रिफंड्स के अंदर दो नए रूल, रूल के और रूल्स के बी को इंसर्ट करा। क्लियर हो गया ये वाली चीज़? हाँ सर, ये वाली चीज़ भी क्लियर हो गई। अब इसके बाद इन्होंने क्या करा, रूल नंबर 108 में एक इंसर्शन करी। रूल नंबर 108 किस चीज़ का होता है? हमारा अपील फाइल करने का। तो इन्होंने क्या कहा कि भाई जब आप अपील फाइल करते हो तो कई बार क्या होता है, वहाँ पर ऑर्डर्स ऑनलाइन होता है जिसके अगेंस्ट आप अपील फाइल करते हो। तो जब आपका ऑर्डर्स ऑनलाइन है, ठीक है ना, और आप अपील फाइल कर रहे हो, तो आपको इस वाले केस में फिजिकल कॉपी जमा कराने की ज़रूरत है ही नहीं अपील्स की। तो इस बातों को मेंशन करने के लिए इन्होंने रूल 108 में, ठीक है ना, एक सब्स्टिट्यूट करा सब रूल 3 को। तो अब यहाँ से क्या हुआ कि आपको अपील जमा कराना बड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद इन्होंने क्या बोला कि भाई सेम जो चीज़ें हैं, ठीक है, वो रूल नंबर 109 में, ठीक है ना, 109 में भी इन्होंने इस चीज़ को बोला, ठीक है। इसके बाद क्या बोलते हैं कि भाई रूल 109 सी एक इंसर्ट करा विड्रॉल ऑफ अपील का, ठीक है ना। ये क्या कहते हैं कि भाई अगर आपकी कोई अपील है, आपको लग रहा है कि लड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, तो आप उसे एक सर्टेन लेवल पर, एक स्टेज पर आप उसे विड्रॉ कर लो जिससे लिटिगेशंस कम हो जाए। तो इन्होंने 109 सी को ये चीज़ बोली। इसके अलावा इन्होंने रूल नंबर 138 में चेंज करा। 138 क्या कहता था कि भाई किस किस केस में ई वे बिल बनेगा, किस किस केस में ई वे बिल नहीं बनेगा। तो पहले क्या होता था कि ज्वेलरी के केस में आपको पता ई वे बिल नहीं बनता, पता चले कोई चोरी कर ले, कोई पीछे ही लग जाए ई वे बिल बनाकर। तो इन्होंने क्या करा था कि जो ज्वेलरी थी, दो तरह की ज्वेलरी होती है, एक आर्टिफिशियल होती है, एक ओरिजिनल। तो जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी वाले होते थे, जिसे मेरे हिसाब से इमिशन ज्वेलरी बोलते हैं, तो वो भी बिल नहीं बनाते थे कि भाई हम भी ज्वेलरी बेच रहे हैं। लेकिन इन्होंने क्लैरिफाई करा कि नहीं भाई, तुम्हें ई वे बिल बनाना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारी ज्वेलरी भी महंगी है, लेकिन गोल्ड वाली ज्वेलरी नहीं है, तो आपको ई वे बिल बनाना पड़ेगा। तो इनके लिए रिलैक्सेशन खत्म कर दी है। चलिए, अब जो यहाँ पर जीएसटी REG 01 था, जो रजिस्ट्रेशन का था, यहाँ पर उन्होंने इसमें चेंज करा। चेंज करने के लिए क्या बोला, ऑथराइज सिग्नेटरी फाइलिंग एंड एप्लीकेशन शैल प्रोवाइड हिज मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस। कह रहे नहीं, ऑथराइज पर्सन तुम्हारा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी नहीं चाहिए, ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर शैल बी ऑटो पॉपुलेटेड। कहाँ से ऑटो पॉपुलेटेड होगा? फ्रॉम इनकम टैक्स डेटाबेस से, कि जो पेन में लिंक है। हो सकता है वो गलत हो, वो सही हो, वो पुराना हो, लेकिन होगा वहीं से। तो यहाँ पर इन्होंने ये चीज़ करी। तो इसके बाद इन्होंने क्या करा, एक तो जो हमारा फॉर्म है REG 09 उसे चेंज करा, ठीक है, ऑर्डर फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, ठीक है ना। तो ऑर्डर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ कैंसिलेशन के फॉर्म को इन्होंने चेंज करा, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने GSTR 1 को भी चेंज करा। GSTR 1 में इन्होंने कई कॉलम इंसर्ट करे जो पहले से थे, ठीक है ना। बेसिकली उन्हें एक नया रूप दिया गया कि भाई अगर आप ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू माल बेचते हो तो आपको उसे कैसे रिपोर्ट करना है। तो ये वाली सारी चीज़ हमने क्या करा, इस बार की मैगज़ीन के अंदर दी है। अगर आपने मैगज़ीन नहीं ली है तो आप मैगज़ीन को सब्सक्राइब करा ले। ये अगर आप देखोगे तो हमारी जो मैगज़ीन है वो हमारी मैगज़ीन बनके रेडी है। उसका इंडेक्स ये रहा पूरा। हम इसमें 6 के 6 सर्कुलर आपको सिखा रहे हैं, नोटिफिकेशन से जो जो चेंजेज आए वो दिखा रहे हैं, और जो प्रेस लीज के चेंजेज से जो नोटिफाइड नहीं हुए वो भी आपको बता रहे हैं। तो उसमें हमने आपको बताया है कि GSTR 1 में क्या चेंज होगा, क्या नहीं होगा। ये सारा का सारा हमने टेबुलर फॉर्म में विद एग्जाम्पल्स आपको बताया है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो लंबी ज़रूर थी, लेकिन अगर आप यहाँ तक आए तो आपको एक ही वीडियो में पता लग गया होगा कि रूल्स में क्या क्या चेंजेज हुए हैं। तो अगर अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक करना, और ऐसी वीडियो को ना बाकी लोगों से भी शेयर करना जिससे कि उन्हें भी पता लग जाएगी क्या क्या चेंजेज हुए हैं। और मैगज़ीन अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कराई है तो अभी करा ले। उसमें आपको ये भी पता लगेगा जो अभी आप GSTR 1 भरने जा रहे हो उसमें क्या क्या डिटेल्स नई नई आ गई हैं, टेबल नंबर 14 और 15 क्या चेंज हो गई है। और अगर आपको कोई सेपरेट वीडियो किसी टॉपिक पर चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो। और जो हमारा कोर्सेज है, ठीक है ना, जिसके अंदर हम पूरे 100 घंटे का कोर्स कराते हैं, वो भी आप हमारी टीम से संपर्क करके ले सकते हो।
जिसमें कि हम सारे सेक्शंस, रूल, सारी चीज़ें प्रैक्टिकली आपको बताते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। 2,25,000 सब्सक्राइबर करने के लिए, हमारी पहली किताब को इतना अच्छा रिस्पॉन्स देने के लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।